हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका जो है क्लास हर रोज दिन में 11 बजे हिंदी का क्लास चलता है फ्रेंड्स। तो दिन का 11 बज चुका है और हम लोग फिर से जो है हिंदी क्लास के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं और इस क्लास में टोटल आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी को अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2500 क्वेश्चन का पीडीएफ आपके लिए तैयार हो चुका है, 2500 क्वेश्चन जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, सिर्फ वीवीआई क्वेश्चन। अगर आपका तैयारी अभी भी अच्छा नहीं है तो इतना क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए। इसमें आपको मिल जाएगा हिंदी का मिलेगा, जीके का मिलेगा और साइंस का क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। हिंदी, जीके, जीएस, ठीक है फ्रेंड्स। कितना मिलेगा यह पीडीएफ? मात्र जो अभी आपका 99 रुपये मिल रहा है, लेकिन जैसे ही आपका एग्जाम डेट घोषित होगा, पता चलेगा, तो यह जो 99 से बढ़कर अब आगे तक जा सकता है। इसलिए अभी अगर लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर पे आपको व्हाट्सअप पे कर देना मैसेज 9262771105 पे, ठीक है। 9262771105 पे आपको व्हाट्सअप पे मैसेज कर देना, यह पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास पे आ पाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि सवर्ण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। देखिए, पर्यायवाची शब्द जो होता है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी पर्यायवाची शब्द को याद कर लेना है। तो पर्यायवाची शब्द सवर्ण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? कंचन, सुमन, करी, नीरज। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, पहला का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कंचन हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर ए कंचन। स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द होता है कंचन होता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महादेव का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? महादेव का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ब्रह्मा, कृष्ण, विष्णु, शंकर। दूसरा का फ्रेंड सही जवाब क्या होगा? महादेव का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो याद रखिए, जो महादेव का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो शंकर होता है, ऑप्शन नंबर डी। महादेव का पर्यायवाची शब्द जो होता है आपका वो शंकर होता है। दू का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, क्लास टाइम आप सबको बता दें फ्रेंड्स, क्लास जो होता है आपका लाइव होता है दिन में 11 बजे हिंदी का, दिन में 11 बजे हिंदी का, शाम में 7 बजे जीके और साइंस एक ही में होता है। शाम में कितना बजे? शाम में 7 बजे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि क्षति का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? क्षति का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? क्षमता, हार, हानि, श्रुति। तीसरा नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तीसरा का फ्रेंड सही जवाब क्या होगा? क्षति का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो फ्रेंड क्षति का जो पर्यायवाची शब्द होता है हानि होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्षति का पर्यायवाची शब्द हानि होता है फ्रेंड, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आभूषण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? क्वेश्चन को फिर से पढ़िए और आंसर लगाइए। आभूषण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आभूषण का पर्यायवाची शब्द सलील, अलंकार, वसुंधरा, समास। आभूषण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आभूषण का पर्यायवाची शब्द कौन बताएगा आंसर इसका? चौथा नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स, तो आंसर हो जाएगा आभूषण का अलंकार, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आभूषण का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो अलंकार हो जाएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करना, व्यथा। व्यथा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? व्यथा का पर्यायवाची शब्द अधीर, बात, पीड़ा, जीवनी। व्यथा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो फ्रेंड्स पांच नंबर क्वेश्चन का याद रखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। व्यथा का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो क्या होगा? ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए ये आपके लिए होमवर्क आपको देते हैं कि इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना, ग्रह का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ग्रह, घर, कर्म, नक्षत्र या फिर आग्रह। ग्रह का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो फ्रेंड्स सात का याद रखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ग्रह का पर्यायवाची शब्द नक्षत्र होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें, इसमें जितने भी क्वेश्चन लगभग सभी क्वेश्चन जो है पर्यायवाची शब्द का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए आवाज़ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? नगाड़ा, ध्वनि, अनादर, नंदिनी। आवाज़ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आसान सा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आवाज़ का पर्यायवाची शब्द होगा आपका ध्वनि हो जाएगा, आठ का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। अंधकार का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अंधकार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अंधकार का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? गहरा, नीरस, तिमिर, निवेदन। नौ का फ्रेंड सही जवाब हो जाएगा। नौ नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिमिर हो जाएगा, ठीक है। अंधकार का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो तिमिर हो जाएगा, नौ का ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? प्रार्थना, अभिन्न, दिवाकर या फिर सेवक। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है सूर्य का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है दिवाकर। 10 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 10 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। व्यवधान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? व्यवधान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? भ्रमण, बाधा, मिलन या फिर प्रीति। व्यवधान का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सही जवाब कौन बताएगा फ्रेंड्स? 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर। तो 11 का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, व्यवधान का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो बाधा होता है। 11 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, व्यवधान का पर्यायवाची शब्द आपका बाधा हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना आपको। अवगुण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा?
अवगुण का पर्यायवाची शब्द, प्रेम दोष द्वेष गुण। अवगुण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? 12 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? अवगुण का पर्यायवाची शब्द, तो फ्रेंड्स 12 का जो सही जवाब हो जाएगा अवगुण का दोष हो जाएगा, ठीक है, अवगुण का फ्रेंड्स दोष हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। समता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? समता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? केतु, बराबरी, असमता या फिर संकट। समता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आंसर कौन बताएगा इसका? समता का पर्यायवाची शब्द। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 13 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स? 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समता का होता बराबरी होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, समता का पर्यायवाची शब्द आपका बराबरी हो जाएगा, ठीक है। 13 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं। प्रयत्न का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? प्रयत्न का पर्यायवाची शब्द, प्रयत्न का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? प्रयास, श्रेष्ठ, अनायास, प्योध। 14 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब, 14 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? प्रयत्न का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो फ्रेंड्स याद रखिए, प्रयत्न का जो पर्यायवाची शब्द होगा आपका प्रयास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, प्रयत्न का पर्यायवाची शब्द जो हो जाएगा प्रयास हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तालाब का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तालाब का पर्यायवाची शब्द, बाघ, पोखर, समुद्र या फिर अरी। 15 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तालाब का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तालाब का पर्यायवाची शब्द क्या होता है फ्रेंड्स? याद रखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोखर। तालाब का पर्यायवाची शब्द जो होता है पोखर होता है। 15 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बीस का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? 15 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तालाब का ऑप्शन नंबर बीस का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। विपदा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? विपदा, विपदा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मनीषी, आपदा, सुख, निरपराध। 16 का सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स? तो 16 का सही जवाब जो ऑप्शन नंबर बी आपदा हो जाएगा। विपदा का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो आपदा हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन बताएगा? इंद्र का पर्यायवाची शब्द, निशाचर, सुधाकर, भागीरथी, सुरपति। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो फ्रेंड्स याद रखना आपको, इंद्र का जो पर्यायवाची शब्द होता है सही जवाब हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर डी, सुरपति हो जाएगा, ठीक है, सुरपति हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सतर्कता का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सतर्कता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? असावधानी, सावधानी, असतर्कता, असतर्कता या फिर तसल्ली। सतर्कता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? 18 नंबर क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी होगा, सावधानी। सतर्कता का पर्यायवाची शब्द सावधानी होता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कमल का पर्यायवाची शब्द कौन बताएगा? कमल का पर्यायवाची शब्द 19 नंबर क्वेश्चन। देखिए यह सभी जो पर्यायवाची शब्द है कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया, इसलिए सारे प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लीजिए। 19 का सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स? तो 19 का सही जवाब जो ऑप्शन नंबर सी, जलज हो जाएगा, ठीक है, कमल का पर्यायवाची शब्द जलज होता है। चलिए आगे चलते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। मृग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मृग का पर्यायवाची शब्द हाथी, बादल, हिरण, पवन। और बार बार बोल रहे फ्रेंड्स आपसे, अब जो पीडीएफ आपका 2500 क्वेश्चन है उसको जरूर खरीद लीजिए, आपका बहुत हेल्प करने वाला आपके एग्जाम में, ठीक है, मात्र 99 रुपये में ही आपको मिल जाएगा अभी। तो 20 का फ्रेंड सही जवाब जो ऑप्शन नंबर सी, हिरण हो जाएगा, ठीक है, मृग का पर्यायवाची शब्द आपका हिरण हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। रज्जू शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? रज्जू शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? घोड़ा, रस्सी, मछली, मेढक। तो रज्जू का जो पर्यायवाची शब्द होता है फ्रेंड्स रस्सी होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। हस्त का पर्यायवाची शब्द क्या? हस्त का पर्यायवाची शब्द क्या है? हस्त, हस्त का पर्यायवाची शब्द क्या है? हाटक, कर, सची, चमू। हस्त का पर्यायवाची शब्द क्या है? 22 का ऑप्शन नंबर क्या होगा सही जवाब? तो फ्रेंड्स 22 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हस्त का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो कर होता है। ऑप्शन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। आत्मज का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आत्मज का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चलिए, सूत, अंबा, तन्या, भार्या। 23 का फ्रेंड सही जवाब क्या होगा? तो 23 का ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, तन्या हो जाएगा। 23 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वातायन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? वातायन का पर्यायवाची शब्द छत, ग्वाच, ताक, द्वार। 24 का सही जवाब क्या होगा? वातायन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? 24 का सही जवाब क्या होगा? तो फ्रेंड 24 का जो सही जवाब जो ऑप्शन नंबर बी, ग्वाच। वातायन का पर्यायवाची शब्द ग्वाच होता है। 24 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। जलधर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जलधर का पर्यायवाची शब्द, जलधर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दिनकर, अग्नि, बादल, अवनी। 25 का सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स?
तो 25 का याद रखिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब। जलधर का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो बादल होता है, जलधर का पर्यायवाची शब्द बादल होता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तुरंग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तुरंग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, घोड़ा, कुंजर, हिरन या फिर हाथी। तुरंग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा फ्रेंड, 26 का सही आंसर तुरंग का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो आपका घोड़ा हो जाएगा, घोड़ा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं, आम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, अंबर, पीक, रसाल, फल। तो 27 का फ्रेंड सही जवाब क्या होगा, 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आम का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो रसाल होगा, 27 का ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे चलते हैं, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द भास्कर, सरित, जलधर, भूधर। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, 28 का सही आंसर क्या होगा फ्रेंड, 28 का पहाड़ का पर्यायवाची शब्द क्या है, 28 ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द भूधर हो जाएगा, 28 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 28 का ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं, घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा फ्रेंड्स, तो याद रखिए घर का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो आवास होता है, आवास ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, यमुना, सूर्यसुता, भागीरथी, नदी, तन्या। तो फ्रेंड 30 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूर्यसुता। यमुना का पर्यायवाची शब्द होता है सूर्यसुता। तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास में टोटल जो है हम लोग 30 क्वेश्चन को पढ़े हैं, ठीक है, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर से एक बार वीडियो को देख लीजिए याद नहीं होता है तो। बाकी अगर वो PDF लेना चाहते हैं तो 9262771105 पर आपको WhatsApp पे मैसेज कर देना, वह PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग इस क्लास को समाप्त करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।